नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मुख्तार अंसारी की मौत मिस्ट्री में एक नया ट्विस्ट आ गया है। मुख्तार को जहर देने के दावों का अब सच सामने आ गया है। न्यूज 18 इंडिया के पास मुख्तार अंसारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, जिसमें मौत की वजह को हार्ट अटैक बताया गया है। यानी कि जो दावा मुख्तार अंसारी का परिवार कर रहा था कि उसे जेल में जहर दिया गया, उस दावे का सच अब सामने आ गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है कि मौत का तत्कालीन कारण शॉक लगना है। यानी कि इससे मेडिकल टर्म का मतलब यह है कि मुख्तार का अचानक से ब्लड प्रेशर गिरा, और ब्लड प्रेशर गिरने से दिल का दौरा पड़ना, यानी कि दिल का दौरा पड़ने के बाद मुख्तार के हृदय की गति रुक गई और फिर ब्लड का प्रेशर अचानक गिर गया। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की जो मिस्ट्री थी वो साफ होती नजर आ रही है। जो सच है वो साफ होता नजर आ रहा है, क्योंकि न्यूज 18 इंडिया के पास मुख्तार अंसारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जिसमें मौत की वजह को हार्ट अटैक बताया गया है। यानी कि लगातार जो मुख्तार अंसारी का परिवार दावा कर रहा था कि उसे जेल में जहर दे दिया गया, उसका मर्डर किया गया है, उसका जो सच है वो अब सामने आया है। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ ये लिखा है कि मौत का तत्कालीन कारण शॉक लगना है। अगर इसको मेडिकल टर्म्स में समझा जाए तो इसका मतलब ये है कि अचानक से ब्लड प्रेशर गिरा। दरअसल ब्लड प्रेशर गिरने की वजह थी दिल का दौरा पड़ना, यानी कि जब हार्ट अटैक आया, मुख्तार की हृदय की गति रुकी और फिर ब्लड का प्रेशर अचानक नीचे गिर गया। और इसी बात का जिक्र ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया की स्क्रीन पर, उसमें साफ साफ लिखा भी हुआ है, जिसका साफ मतलब ये है कि जो आरोप लग रहे थे कि स्लो पॉइजन देकर मुख्तार अंसारी को मौत के घाट उतारा गया है, उसकी मौत की साजिश रची गई है, वो दावा साफ साफ, ये तमाम आरोप साफ साफ गलत साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एक एक डिटेल न्यूज 18 इंडिया की स्क्रीन पर आप साफ तौर पर देख रहे हैं। तो गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह सामने आया है कि उसकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है, लेकिन उसका परिवार उसकी मौत को हत्या करार देने पर तुला हुआ है। वो दावा कर रहा है कि मुख्तार मरा नहीं, बल्कि उसे जेल में जहर देकर मरवाया गया है। लेकिन न्यूज 18 इंडिया को मुख्तार अंसारी की ऐसी एक्सक्लूसिव मेडिकल रिपोर्ट मिली है जो साफ साफ ये बताती है कि मुख्तार अंसारी कोई तंदुरुस्त आदमी बिल्कुल नहीं था, वो बेहद बीमार था। कई सालों से उसे बीमारियों ने जकड़ा हुआ था। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, दिल की धमनियों में ब्लॉकेज, सीने में दर्द, ये वो दिक्कतें हैं जो माफिया डॉन मुख्तार पर मौत बनकर मंडरा रही थी। एक नहीं, कई खतरनाक बीमारियां मुख्तार की जान की दुश्मन बनी बैठी। न्यूज 18 इंडिया के पास मौजूद ये वो एक्सक्लूसिव मेडिकल रिपोर्ट है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि मुख्तार अंसारी को कोई एक आध नहीं बल्कि कई बीमारियां थी। ये मेडिकल रिपोर्ट साबित करती है कि मुख्तार को शुगर और हाई बीपी तो था ही, उसका दिल भी ठीक से काम नहीं कर पा रहा था। यह मुख्तार अंसारी की 2018 की मेडिकल रिपोर्ट है। तब मुख्तार को यूपी के बांदा जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। जांच हुई तो पता चला कि मुख्तार को डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर तो है ही, उसकी दिल की धमनियों में ब्लॉकेज तक पाई गई है। मुख्तार के सीने में दर्द था, यानी उसके दिल को काम करने में बहुत परेशानी हो रही थी। इस वजह से मुख्तार को ऐसी दवाएं दी गई थी जिससे उसे दिल का दौरा ना पड़े। न्यूज 18 इंडिया के पास मौजूद मुख्तार की अगली रिपोर्ट मार्च 2019 की है, जब मुख्तार को चंडीगढ़ के नेहरू अस्पताल में एडमिट करवाया गया था। नेहरू अस्पताल ने भी अपनी रिपोर्ट में मुख्तार को हाई ब्लड प्रेशर और हाई बीपी की बीमारी लिखी थी। ये तो अस्पतालों की लिखी मेडिकल रिपोर्ट है। न्यूज 18 इंडिया के पास वो चिट्ठी भी है जो 2019 में मुख्तार अंसारी ने पंजाब की रोपड़ जेल से खुद राष्ट्रपति को लिखी थी। ये चिट्ठी मुख्तार अंसारी का कबूलनामा है, जिसमें उसने खुद कहा कि उसे जेल में दो बार दिल का दौरा पड़ चुका है और उसे हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी बीमारियां भी हैं। यानी गैंगस्टर मुख्तार अंसारी जानता था कि वो बहुत बीमार है। उसने खुद माना था कि उसे कई बीमारियां हैं। बल्कि इससे एक साल पहले मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी ने भी
राष्ट्रपति को अर्जी दी थी जिसमें उसने कबूला था कि उसके पति को हाई बीपी, डायबिटीज और रीढ़ की हड्डी की कई गंभीर बीमारियां हैं और उसे जेल में हार्ट अटैक भी आ चुका है। 4 साल पहले फरवरी 2020 में जब पंजाब के रूपनगर में मुख्तार का इलाज करवाया गया था तो वहां भी डॉक्टरों ने कहा था कि उसे डायबिटीज है। मुख्तार अंसारी की एक नहीं कम से कम 10 मेडिकल रिपोर्ट यही दावा करती है। 2021 से 2024 के बीच बांदा जेल में सजा काटने के दौरान 3 साल में मुख्तार अंसारी ने 84 बार डॉक्टर्स को दिखाया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो गया है कि मुख्तार अंसारी की मौत हार्ट अटैक से हुई और न्यूज 18 इंडिया के पास मौजूद इन मेडिकल रिपोर्ट से भी मुख्तार के घर वालों के दावे कटघरे में खड़े हो गए। लेकिन सियासी दल मुख्तार के परिवार के सुर में सुर मिला रहे हैं। देखिए, इस परिवार से हमारे बहुत अच्छे रिश्ते थे और ये परिवार शायद आज़ादी की लड़ाई में भी इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान था। तो देखिए, इनकी मौत संदेह के घेरे में है तो देखिए न्यायालय को इसमें स्वयं रुचि लेना चाहिए। अगर जेल में किसी की मृत्यु होती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारी जेल से लेकर के सरकार से लेकर सबकी जिम्मेदारी है। ऐसे आरोपों पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्षी दलों को जमकर घेरा है। मेडिकल जांच हो चुकी है, न्यायिक जांच मांगेंगे तो वो भी हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सच जानने का हर हर किसी का है। आज अगर 25 साल के युवा को हार्ट अटैक आ जाता है, किसी को 35 साल वाले को, 30 साल वाले, ये होता है और जो भी हुआ होगा वो सच सांप के सामने आया है। मुख्तार का परिवार जो भी कह रहा हो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और न्यूज 18 इंडिया को मिली मुख्तार की मेडिकल रिपोर्ट उसके परिवार के दावों को नकार रही है। तो उत्तर प्रदेश की बांदा जेल का एक वीडियो जो है सामने आया है और इस वीडियो में लखनऊ में बैठकर पुलिस अधिकारी बांदा की जेल में बंद मुख्तार अंसारी पर सीसीटीवी कैमरे से नजर रखा करते थे। ये वीडियो 19 अप्रैल 2023 का है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं।